सो मच मॉडरेटर. तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखते हैं कि एक पैराग्राफ जो होता है ना, पैराग्राफ के चार की कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप जस्ट ये जो है ना कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, इनके कलर स्कीम देखते जाएं, क्योंकि ये कलर स्कीम हमने आगे जाकर अपने एग्जाम्पल में इसी तरह से देखनी है. सो अब आप देखें यहाँ पे है क्या. टॉपिक सेंटेंस है सबसे पहले, राइट. टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, जो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है. और पहला सेंटेंस हमेशा टॉपिक सेंटेंस ही होगा. इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि पहले सेंटेंस में आपने सिर्फ ये बताना है कि मैं किस बारे में बात करूं. अभी जस्ट ये चीजें सुनते जाइए, ये चीजें अभी 1 मिनट के बाद एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से इलाबोरेट होने वाली. टॉपिक सेंटेंस का ये मतलब है कि पहले सेंटेंस में आपने बस ये बताना है कि इस पैराग्राफ में कुल मिला के बात ये होने वाली है, राइट. सो दैट ऑल्सो मीन्स कि पहला सेंटेंस ये नहीं हो सकता तो पहले सेंटेंस में आप स्टेटिस्टिक दे रहे हो, राइट. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक. पहले सेंटेंस में फिर आप कोटेशन वगैरह नहीं लिख रहे होंगे, पहले सेंटेंस में आप फैक्ट्स या फिगर्स नहीं दे रहे होंगे. पहला सेंटेंस का मतलब है कि इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इस पैराग्राफ में टोटली इन सम ये बात होने वाली है. ठीक है, अभी ये सुनते जाइए. वी आर गोना गो टू द नेक्स्ट स्लाइड और एग्जांपल से हम इसे एलाबोरेट करते हैं. नंबर टू ये है कि डेवलपमेंट. पहला जो आपने टॉपिक सेंटेंस दे दिया, उसको आपने थोड़ा सा मजीद डिस्कस कर दिया इन डिटेल. ये इसका क्या मतलब है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही होती हूँ ना, राइट. मैं आपको पहली बार में पहले सेंटेंस में ये बताती हूँ कि हम ये चीज की बात कर रहे हैं. दूसरे सेंटेंस में मैं थोड़ा सा उस चीज को थोड़ा सा ड्रैग ऑन करती हूँ, ताकि आपको एक दो दफा बात करने से, एक ही बात अल्फाज में रिपीट करने से, डिफरेंट अल्फाज में आपको क्लियर हो जाए कि किस चीज की बात हो रही है. थोड़ी सी उसके अंदर मजीद डिटेल ऐड हो जाए और क्लैरिटी आ जाए. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट. पॉइंट नंबर थ्री है एग्जाम्पल. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पैराग्राफ. ठीक है, अच्छे और बुरे पैराग्राफ को क्या चीज डिफ्रेंशिएट करती है, एग्जाम्पल. ये क्या होती है, कोई भी सपोर्ट, एविडेंस, डेटा, स्टेटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव डेटा हो या क्वालिटेटिव डेटा हो, हम इसकी तरफ अभी आते हैं. आप जब अपने पैराग्राफ के अंदर कोई भी डेटा दे देते हैं ना, तो वो उसके अंदर क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी या इस्तदलालियत का एलिमेंट डाल देता है, राइट. दैट शोज कि अच्छा, बात तो मैंने ये की है, टॉपिक सेंटेंस मेरा ये है, डेवलपमेंट ये है, ये मेरा ख्याल है, लेकिन इस ख्याल को ये रिसर्च या ये डेटा बैकअप भी करता है. सो रियल वर्ल्ड के अंदर भी इस मेरी कही हुई बात की ये स्टैंडिंग है, और इस वजह से ये वैलिड है, राइट. और पॉइंट नंबर फोर सिंपली ये है, समरी, कि आपने ओवरऑल जो शुरू के सेंटेंस में, पैराग्राफ में बात की थी, आपने उसे एक सेंटेंस में जो है ना सम अप कर दिया कि इन सम मैं ये कहना चाहता हूँ, राइट. जिस तरह आपका टॉपिक सेंटेंस था, जस्ट पुट इट ओवर इट्स हेड, उसको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, तो वो आपकी समरी बन गई. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो ये एक छोटा सा विजुअल है आपको इसको चीज को मजीद अंडरस्टैंड और रिमाइंड कराने के लिए कि पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है. तीन जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती है ना, ग्रीन सिग्नल, सबसे पहले आपने क्या कह देना है कि मेरा टॉपिक सेंटेंस क्या है, कि मेरा पैराग्राफ क्या बताने लगा है, किस बारे में बात करेगा. नंबर टू, येलो सिग्नल पे आपने क्या उसके अंदर सपोर्टिंग सेंटेंसेस डाल दिए, जो कि टॉपिक सेंटेंस को मजीद एलैबोरेट कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है. और रेड सिग्नल पे आप एंड कर देते हैं, आप सम अप कर देते हैं कि पैराग्राफ में मैंने दिस इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट, राइट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या तो ये एक और विजुअल है, ताकि आपको ये चीज याद रहे, भूले नहीं. एक और अप्रोच है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को याद रखते हैं, दैट इज द हैमबर्गर अप्रोच. हैमबर्गर अप्रोच का क्या मतलब है, सबसे पहले आपने यू एस्टैब्लिश योर कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट वही है जो आपका टॉपिक सेंटेंस है, कि इस बारे में मैंने बात करनी. फिर है आपका कंटेंट. कंटेंट क्या है, कि टॉपिक सेंटेंस को आपने एनहांस कर दिया, बता दिया कि ये बात हो रही थी, और उसके अंदर आपने उसे एग्जाम्पलीफाई कर दिया, उसके अंदर वैलिडिटी ऐड कर दी. और आखिर में आपके क्या है, कंक्लूजन. तो कंटेक्स्ट, कंटेंट एंड कंक्लूजन, दिस इज हाउ यू डिजाइन योर पैराग्राफ वाया द हैमबर्गर अप्रोच. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या तो ये एक और उस तरह उसी की एक फर्दर एक और विजुअल है, ताकि इन विजुअल्स का मकसद यह है किसी ना किसी से आपको ये बात याद रह जाए. आज हम रिमेम्बर दिस के बहुत सिंप्लीफाइड अप्रोच पर चल रहे हैं, राइट. सो अनदर विजुअल डिनोटिंग दिस इज ये वाला, कि आपने सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस दिया, सपोर्टिंग सेंटेंसेस दिए और कंक्लूड कर दिया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
अनदर वे टू अंडरस्टैंड अ पैराग्राफ वो ये है, पील अप्रोच है. पील का क्या मतलब है? पी स्टैंड्स फॉर पॉइंट, मेक योर पॉइंट, आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया. ई फॉर एक्सप्लेन, आपने उसको वही डिस्क्रिप्शन दे दी. ई फॉर एविडेंस, यानी जो आपका स्टार्ट है. और लिंक, लिंक क्या है? वही जो आपका कंक्लूजन है, जिससे आपने समराइज करके हर चीज को लिंक टुगेदर कर दिया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, अब ये जो पहली वाली स्लाइड है ना, आप इसकी कलर स्कीम्स को दोबारा से देख लीजिए. टॉपिक सेंटेंस आपका ब्लू में होगा, ग्रीन में डेवलपमेंट है, येलो एग्जाम्पल, रेड फॉर समरी. क्यों? क्योंकि आगे हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, उसमें यही कलर स्कीम यूज होकर आपको जो है वो पैराग्राफ बताया गया. नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए. तो ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना हमारा, जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, दैट इज अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कि आप जो कंपनीज होती हैं, बिजनेस की एक टर्म है, उनके वो जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करें कि उन्होंने सोशली दे हैव टू बी मोर रिसेप्टिव, और उन्हें सोशली फिजिबल जो है, एमिकेबल जो है काम करने हैं, जिनसे उनकी अच्छी रेपुटेशन एस्टेब्लिश हो. राइट, अब ये वाला जो सारा आइडिया है ना, इसको हम पैराग्राफ में कैसे एक्सप्लोर करते हैं, जरा यहाँ पर देखिए. देखिए पहला सेंटेंस है आपका, जिसने सिर्फ टॉपिक एस्टेब्लिश कर दिया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन जनरेट अ पॉजिटिव रेपुटेशन फॉर अ कंपनी, लीडिंग टू पॉसिबली मोर सेल्स एंड ग्रोथ. ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक सेंटेंस, जिसने बता दिया कि मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि CSR से एक कंपनी के लिए पॉजिटिव रेपुटेशन होती है और बहुत अच्छी सेल्स और ग्रोथ होती है. राइट, ग्रीन में आपका जो है आगे सारी उसकी डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है. एडमिन प्लीज उसको स्लाइड को शेयर कर दीजिएगा दोबारा से. तो ग्रीन में आपकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है कि आपने उस टॉपिक सेंटेंस को मजीद आगे एनहांस करके बता दिया कि इन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं. आगे उसके बाद येलो में उसने एक स्टेटिस्टिक दे दिया. स्टेटिस्टिक के थ्रू उसने ये बता दिया कि मैंने अपने पॉइंट के अंदर वैलिडिटी डाल. राइट, आपके साथ अभी जस्ट अ मिनट, आपके साथ स्क्रीन शेयर हो जाती है. कुछ लोग प्रेयर के लिए 1-2 मिनट ले रहे थे, वो तब तक इसको ले लें. राइट, वी आर कमिंग बैक टू द स्लाइड्स. हमने येलो में जो अपना वो डिस्क्राइब कर दिया कि हमने किस तरह से एग्जाम्पल दी. राइट, और रेड के साथ हमने जो कंक्लूडिंग सेंटेंस दे दिया, कंक्लूडिंग रिमार्क दे दिया, जिसने ये बता दिया कि सारे टॉपिक पैराग्राफ को उसने सम अप किस तरह से किया. राइट, यहाँ तक अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आई कैन टेक द क्वेश्चन. कुछ लोग नमाज के लिए टाइम चाह रहे थे, आप लोग प्लीज तब तक ले लें. पीछे से किसी ने क्वेश्चंस करने हैं तो प्लीज आप क्वेश्चंस अपने पूछिए तब तक. आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप जो है चैट में भी ये जो है ना क्वेश्चंस लिख सकते हैं अपने. आई विल बी रीडिंग द चैट्स. अनम्यूट करके बोलिएगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक कम्युनिकेशन अपना जो है उसको बैरियर को मिटा सकें. जी खदीजा, अभी स्लाइड्स हम दोबारा से ऑन करते हैं. पीछे काफी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि हमें नमाज के लिए 1-2 मिनट चाहिए. मैं अभी इसको दोबारा से ले, आपके और कोई क्वेश्चन है तो बताइए. ऐसे के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं? अच्छा, मुबीन का क्वेश्चन है ये प्रॉब्ली. फैक्ट्स एंड फिगर्स इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने आप समझ लीजिए कि करंट अफेयर्स के लिए फॉर एग्जाम्पल करंट की नॉलेज होना जरूरी है, या इस्लामियत के अंदर रेफरेंसेस, इस्लामिक रेफरेंसेस का होना जरूरी है. राइट, आप जब अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल देते हैं ना एस्से के अंदर, पहली तो बात यह है कि टू मच फैक्ट्स एंड फिगर्स भी ना हो, बिकॉज इट्स एन एस्से, इट्स नॉट अ रिपोर्ट. रिपोर्ट उसको नहीं बना देना कि आप उसके अंदर बहुत ही ज्यादा जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख दें. जी अमजद, मैं बात हूँ इस सवाल पर, आपने लिखने हैं. जी फहद, आप ऑडियो भी पूछ सकते हैं, जस्ट लेट मी फिनिश दिस क्वेश्चन. अच्छा, आपने लिखने हैं, बट बात क्या है, इतने भी नहीं लिखने हैं कि बहुत ज्यादा हो जाए, आपके उसके अंदर फैक्ट्स और नंबर्स ही दिख रहे हो, लेकिन इतने जरूर लिखने हैं कि वो जैसे मैंने आपको भी बताया कि आप अपनी बात के अंदर वैलिडिटी या इस्तदलालियत कैसे ऐड करते हैं. एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ आपकी बात है, या आपकी बात की क्या वैल्यू है? एग्जामिनर को ये तब पता चलेगा. स्क्रीन शेयर प्लीज 2 मिनट के लिए ऑफ कर दीजिए, आई एम जस्ट टेकिंग द क्वेश्चंस. और कुछ स्टूडेंट्स को नमाज पढ़नी थी तो आई जस्ट टुक 2 मिनट. राइट, एग्जामिनर को ये पता चले कि आप जो बात कर रहे हैं वो उसकी रियल वर्ल्ड में कोई वैल्यू है या नहीं. राइट, इसलिए आपके एक आइडियल जो पैराग्राफ होता है नमूबीन, उसके अंदर फैक्ट्स और फिगर्स का कुछ ना हो कुछ होना लाजमी है. अब फैक्ट्स और फिगर्स क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव स्टैट्स भी होते हैं, क्वालिटेटिव स्टैट्स भी होते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? क्वांटिटेटिव स्टैट्स का मतलब ये है कि आपने किसी चीज की क्वांटिटी दे दी. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में पहले 0.0033 था, अब वो 0.0034 पर चला गया.
परसेंट राइट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीज डिस्कस करी, सो नाउ दिस इज अ क्वांटिटेटिव स्टैट. लेकिन अगर मैं कहूँ कि द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर हैज राइजन सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 1750, दैट मींस कि ये क्वालिटेटिव स्टैट है. राइज जो हुआ है या इंक्रीज हुआ है ये भी तो एक फैक्ट है राइट. तो आपको जस्ट नंबर्स याद करने नहीं बैठ जाना, इट्स नॉट दैट हार्ड. इतना हमने चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना. आप इस तरह से क्वालिटेटिव स्टैट्स भी दे सकते हैं राइट. फहद आप कुछ पूछना चाहे थे प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. Yes, ma'am. Assalamu alaikum. How can we get Assalam. facts and figures from newspaper? Maximum figures for this paper. Yes. Newspapers. अच्छा आप यू आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स राइट. यस मैं आपको ना तीन चार सोर्सेज लिखवा देती हूँ राइट. सो बेसिकली जहां तक आपके पाकिस्तान से रिलेटेड इश्यूज की बात है ना, आप तीन चार सोर्सेज लिख लीजिए. एक तो आप इपरी के रिसर्च पेपर्स आते हैं उनको पढ़ा करें राइट. इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट राइट. उसके बाद आपके पास है ISSI इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट राइट. इनके पास स्टेटिस्टिक्स होते हैं. आपके पास पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक है PBS. उसके बाद आपके पास इस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है ESP. इसकी आप एग्जीक्यूटिव सर्वे समरी पढ़ लिया करेंगे राइट. इसके अलावा आपके पास जो लोकल NGOs हैं फॉर द सोशल इश्यूज, फॉर एवरी रिस्पेक्टिव सोशल इशू आप लोकल NGOs की रिपोर्ट्स ले लिया करें. फॉर एग्जाम्पल आपका एजुकेशन है, उसकी जो स्टेटिस्टिक्स होंगे वो आपके एजुकेशनल NGOs के पास होंगे राइट. इसी तरह आपके जो हेल्थ रिलेटेड हैं उनके इस उनसे रिलेटेड NGOs के पास होंगे. सो इस तरह से आप स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे कर सकते हैं. उसके अलावा सबसे बड़ा जो आपके पास सोर्स है वो तो आपके पास आपके न्यूज़पेपर्स हैं जो कि आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं. और उससे भी अच्छा सोर्स है हमारा जो बुलेटिन आपके साथ वीकली शेयर हो जाता है. बट द बेस्ट थिंग अबाउट बुलेटिन इज दिस कि आपके पास बुलेटिन के अंदर पूरे पाकिस्तान के जितने भी पेपर्स हैं ना न्यूज़पेपर्स हैं उनके सबसे ज्यादा यूजफुल जो आर्टिकल्स हैं वो मिल जाते हैं राइट. बजाय इसके कि डॉन में भी अब बहुत ज्यादा आर्टिकल जो हैं वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आ रहे होते हैं, लोकल पॉलिटिक्स नेशनल पॉलिटिक्स, उनको पढ़ने के बजाय आपको जस्ट मोस्ट यूजफुल और रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं ना रिलेटेड टू CSS वो मिल जाते हैं. और उसके अलावा ये है कि आपको फॉरेन आर्टिकल्स जो पेड आर्टिकल्स होते हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन हमने ली हुई है फॉर यू गाइज वो आपको फ्री में मिल जाते हैं राइट. सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज जो कि बहुत आपके हैंडी आएंगे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज ऑफ पाकिस्तान. कमिंग टू द इंटरनेशनल इश्यूज, आपके पास कुछ सोर्सेज हैं. आपके पास UN है, UN की जो सब्सिडायरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे आपके पास WHO है फॉर द हेल्थ रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स, आपके पास UNICEF है फॉर एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स राइट. उसके अलावा आपके पास एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स आती हैं, आपके पास काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है, आपके पास जो है वो इस तरह से काफी सारे थिंक टैंक्स हैं राइट. आपके पास ये अल जजीरा वगैरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ये सब अपनी रिपोर्ट्स भी पब्लिश करते हैं. सो देयर आर एम्पल सोर्सेज, सोर्सेज की कमी नहीं है जहाँ से आप अपने स्टैट्स को इकट्ठा कर सकते हैं. आई विल जस्ट टेक वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद हम अपने लेक्चर के ऊपर वापस आते हैं. एसे में कितने पैराग्राफ्स लिखने चाहिए? सबा तहरीम एसे जो है ना उसके अंदर आपके पास Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है? जी अब आ रही है. Okay, I was muted accidentally. तो अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा प्रॉबेबली कि अब ये वाले जो कितने पैराग्राफ्स हैं इनमें ये वाला वर्ड काउंट किस तरह से पूरा होता है. उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप अपना पेज देखें, पेज पे देखें कि कितनी लाइंस हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 लाइंस हैं, राइट. अब आप देखते हैं कि आपके एक लाइन पे कितने वर्ड्स पूरे आ रहे हैं एज पर योर हैंड राइटिंग. फॉर एग्जाम्पल 3 वर्ड्स आ रहे हैं, राइट. तो आप 5 3 15 कर लें, आपको पता चल गया कि फॉर एग्जाम्पल
एक पेज पर मेरे एवरेज 15 वर्ड्स आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कितने पेजेस पर जो है इतने वर्ड्स पूरे हो रहे होंगे, राइट? सो दिस इज अ वेरी सिंपलर वे टू गेट टू नो कि आपके वर्ड काउंट कैसे पूरा होता है. हाउएवर आइडियली इतने पैराग्राफ्स आपके होने चाहिए. अच्छा, इंट्रोडक्शन फहद आपका 200 वर्ड्स का होना चाहिए, राइट? अच्छा, अब नमाज के लिए जिनको ब्रेक चाहिए था वो ब्रेक पूरा हो चुका है. एडमिन आप वापस उस स्लाइड पर चले जाएं. यू आर वेलकम सबा. स्लाइड शेयर पर चले जाएं वापस, मैं उस चीज को वाइंड अप कर लूं, राइट? तो अब आप ये देखें, जिन लोगों को पहले समझ नहीं आया ठीक से, पहले पैराग्राफ पहली लाइन में पैराग्राफ में ब्लू में हमने टॉपिक सेंटेंस दे दिया जिसमें हमने बता दिया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक कंपनी के लिए पॉजिटिव रेपुटेशन और सेल्स और ग्रोथ देती है. ठीक है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं. जी अक्सा, मैं क्वेश्चंस एंड कर लेती हूँ, थैंक यू. अच्छा, ग्रीन में अब जो है हम अपनी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, राइट? डिस्क्रिप्शन में हमने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू जोन्स हमें पता चला कि एक कॉर्पोरेशन जो एनवायरमेंटल और एथिकल अप्रोचेस में इन्वेस्ट करती है वो ये बताती है पब्लिक और मीडिया को कि वो एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी है. तो अब आप देख सकते हैं कि ये उसी टॉपिक सेंटेंस की एक्सटेंशन है, उसी को मजीद एलैबोरेट कर रहा है. अगला सेंटेंस फिर उसी को एलैबोरेट कर रहा है कि वॉटसन के मुताबिक उसने एविडेंस ये दी कि इससे कंज्यूमर सेल्स भी बढ़ जाती हैं, राइट? येलो में अब आप आए, आपने एक एग्जांपल देख ली, आपने अब ये एविडेंस दे दिया जो कि आपका स्टैट या फैक्ट है कि एक योगर्ट कंपनी थी कॉल्ड रियो वैली, उन्होंने जो है अपनी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक कर दी जिसकी वजह से क्या हुआ, फुली रिसाइक्लेबल पैकेजिंग हो गई और CO2 आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो गई, राइट? तो दिस इज अ होल डिटेल्ड एलैबोरेशन ऑफ एन एग्जांपल. आखिर में हमने उस सारी बात को सम अप कर दिया कि ओवरऑल एविडेंस ये बताता है, सीम्स टू सजेस्ट दैट इन्वेस्टिंग इन CSR कैन इम्प्रूव ब्रांड इमेज एंड प्रोडक्टिविटी, राइट? तो इस आप सारे पैराग्राफ को दोबारा से देख लें. पहले